जनपद शामली के कहनला में एक दहेज लोभी पति ने बिजली का बकाया बिल भुगतान के लिए 50,000 रुपए न लाने पर अपनी पत्नी को बिजली के तार से पीटकर घर से निकाल दिया। पीड़ित वैवाहिता का आरोप है कि हर रोज पैसे की मांग कर पीटता है। पीड़िता ने परिजनों के साथ कहनला थाने पर तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर महिला का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल मामला जनपद शामली के कहनला थाना क्षेत्र के गांव इसोपुर टील का है। आपको बता दें कि गांव इसोपुर टील निवासी महन धलमा की शादी 5 वर्ष पूर्व परवेज पुत्र मेहरबान कस्बा छपरौली जनपद बागपत के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करता आ रहा था। लड़की वालों ने कई बार पैसे भी दिए, लेकिन ससुराल वालों का लालच बढ़ता ही जा रहा था और आए दिन मारपीट करते रहते थे। सलमा का आरोप है कि 2 दिन पहले उसके पति परवेज ने उसे बिजली का बिल जमा करने के लिए अपने घर से 50,000 रुपए लाने के लिए कहा। सलमा के मना करने पर उसने लात घुसो व बिजली के तार से मारपीट की, जिसकी सूचना मोहल्ले वासियों ने सलमा के परिजनों को फोन पर दी। सूचना पर परिजनों ने पुलिस के साथ बेटी की ससुराल पहुंचकर अपने साथ ले गए। पीड़िता ने परिजनों के साथ कहनला थाने पर तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर महिला का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कहनला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। जी इनसे 50,000 रुपए बिल के लिए मांग रहा था, तो इसके साथ केवल मारपीट करी और फांसी का भी दी जी। मतलब बिजली के तार से मारपीट? बिजली के तार से मारपीट की जी। अच्छा, फिर उसके बाद में जी हमने पता लगा तो हम वहाँ मौके पर पहुँचे। अच्छा। दरोगा ने लेगा तो उनके बिजली का बिल आता मेरे ससुराल वालों का। उन्होंने मुझे कहा कि अपने घर से 50,000 रुपये ला कर दें। मैंने कहा मेरे बाप को पहुँचने हैं, कहाँ से देंगे 50,000 रुपये। उन्होंने फिर उस बिल के टुकड़े से मेरी पिटाई करी, मतलब बिजली के तार से। अच्छा, आपकी पिटाई की जी। तो जैसे आप थाना कांदा एक महिला आज थाने पर आई, उन्होंने ये तहरीर दी कि उनके पति द्वारा उनसे मारपीट की गई, और जो कि वीडियो में भी स्पष्ट है वो एक तार से लगातार मारपीट कर रहा है। महिला की तहरीर पे थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और जो पति है जिसने की क्रूरता की है महिला के साथ, उनकी गिरफ्तारी के लिए थाना बताया।